बाबा जी ले मार बाबा जी की बूटी बाबा जी की बूटी बाबा जी की बूटी बाबा जी की बूटी एक नया चीज लेके आया हूँ, इसका नाम है घास बूटी। ये घास बूटी कैसा होता है बता दूँ, ये देखो नीचे दिखा, ये घास बूटी ऐसा होता है, ऐसे पत्ते होते हैं, ये घास है और इसकी हम बूटी इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत रोगों से हमारी रक्षा करता है। ये घास ऐसी आपको बहुत सारे सिवान हो आपके घर के आसपास ये फ्री में मिल जाती है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं, इसकी कोई रुपये नहीं, इसे कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ये आपको हर जगह मिल जाया करेगी। ये घास बूटी क्या है इसके बारे में आज आपको फ़ायदा हम बताएंगे, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके फायदे के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ये जो घास है, ये घास बूटी, इसके लिए हमने इसका नाम घास बूटी दिया है क्योंकि ये सारे रोगों की एक ही मात्र दवा है, बहुत सारे रोग इससे आपको छुटकारा मिल जाएंगे, ये रोगों से आपको लड़ने की शक्ति देगा और आपकी यौवन शक्ति को बढ़ाएगा। तो ये जो घास बूटी है इसको हम आपको बताते हैं इसके बारे में, इसका उपाय कैसे, इसके कैसे हम इसका कर सकते हैं, इसका उपयोग ये भी बताएंगे। पहले बताते हैं ये घास बूटी होती क्या है। ये घास बूटी है, ये आपको जगह जगह मिलेगी, इसमें ऐसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये पत्तों को कैसे खा जाता है ये बताएंगे हम। ये पत्तों को ऐसे तोड़े, तोड़ने के बाद ये इसको कच्चा भी खा सकते हैं आप चबाकर, और नहीं तो क्या करिए इसके जो मुलायम पत्ते इसको आप निकाल लें और जो चावल के जो आटे होते हैं उसके अंदर ये डाल लें और मिक्सर में पीस लें, इसकी रोटी बना सकते हैं आप खाने के लिए, या बहुत सारे इसको ऐसे ही डाल के यूज कर सकते हैं, या इसके इसको मुलायम पत्ते को निकाल कर मिक्सर में पीस लें, जूस बना लें। मैं जहाँ तक आपको ये बताऊँगा मिक्सर में ना पीसे, इसे आप जो सिलवट होता है उसके ऊपर पीसे ताकि ये बराबर से पूरी तरह से मिल जाए। तो ये घास बूटी ये बहुत अच्छी दवा है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। तो ये घास बूटी की हम आपको बता दें कि क्या क्या रोगों से लड़ेगी, ये घास बूटी बहुत सारे रोगों से लड़ेगी और आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी इस घास बूटी को खाने से। तो ये घास बूटी खाने से चमक कैसे आएगी बताता हूँ, और इसका मैं उदाहरण भी दूंगा कि ये घास बूटी क्यों फायदेमंद है, क्योंकि घास बूटी फायदेमंद इसके लिए है। कभी आपने देखा है बकरी को बाबा सिर होते हुए कभी सुना है, बकरी को जॉन्डिस होते हुए कभी सुना है, बकरी को कभी कुछ भी पीलिया होते हुए कभी सुना है, बकरी को कुछ भी बहुत सारी बीमारी होते हैं कभी सुना है कि बकरी को ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई, गाय को कोई बीमारी हो गई, जो भी शाकाहारी जीव जंतु है उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती, क्योंकि ये घास बूटी खाते हैं। तो आप भी ऐसे घास बूटी खाइए और सारे लोगों से आप बचिए, क्योंकि अब चारों तरफ देखिए मेरे सामने आजू बाजू खेत खलिहान है, ये सारे खेत खलिहान में लगे हुए हैं फसल, लेकिन इसमें खाद यूरिया बहुत सारे चीज़ पड़ते हैं, इससे ये फसल तो तैयार हो जाती है ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, बट ये फसल खाने लायक नहीं होती, इसमें जहर जहर होता है, यूरिया ये सब जो खाते ना जो अंदर वो जाएगा शरीर में तो रोग होगा। आज डॉक्टर के पास जाइए दुनिया भर की लाइनें लगे रहेंगी, क्यों, क्योंकि ये ऐसे चीज खाते हैं। आप वो सब चीज़ छोड़ दीजिए, मत खाइए, आप ऐसे खांस भी दिखाइए, ये सब देखिए बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, इसके इसको आप मुलायम पत्ते को पीस कर चबा कर खा सकते हैं। ये घास बूटी खाइए और सारे रोगों से लगिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और हाँ ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था, इसका उद्देश्य कभी भी दूसरा उद्देश्य न लें, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो में और भी बनाता रहूँ। धन्यवाद। बाबा जी की बूटी बाबा जी की बूटी बाबा जी की बूटी बाबा
बाबा जी की बूटी।